या तो नूडल्स है, ये पक्का स्वादिष्ट होंगे। एमा ग्लोरिया चलो अब कार्ड लेते हैं। हुर्रे, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं दोनों हाथों से खाऊंगा और मैं सिर्फ एक से, ये भी ठीक ही है। और मेरे पास कोई हाथ नहीं होंगे, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं दोनों हाथों से खा सकता हूँ, मतलब मैं जल्दी खाने के लिए अब दो जोड़े चॉपस्टिक का इस्तेमाल करूँगा, मुझे बहुत भूख लगी है। इतनी तेजी से क्यों खा रहे हो, कितना खराब लग रहा है, तुम्हारे नूडल्स गिर जाएंगे। उसे खाने की तौर तरीके बिल्कुल नहीं आते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें बस मुझसे जलन हो रही है कि मैं आराम से खा पाया और तुम हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकती। और वैसे मुझे थोड़े और नूडल्स चाहिए, आशा है एमा को कोई दिक्कत ना हो। रुक जाओ, मेरे नूडल्स को छूना भी मत। तुम्हें लगता है तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, मैं तुम्हें चुटकी बजाते हरा दूंगा इस स्टिक लड़ाई में। नहीं, मैं तुमसे कैसे हार गया? क्योंकि मैं तुमसे बेहतर हूँ। ठीक है, अब रो मत, देखो कि एक प्रोफेशनल नूडल्स कैसे खाती है। ये क्या, मैं तो हमेशा चॉपस्टिक इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नूडल्स उठा नहीं सकते तो इन्हें बस लपेट लेना चाहिए। हो गया, ओ मेरे नूडल्स गिर गए। छोड़ो, इन चॉपस्टिक की कोई जरूरत नहीं है, मैं सीधा बकेट से खा लूंगी। यह कितना आसान है। ओ, बहुत स्वादिष्ट, मैं आखिरकार नूडल्स के स्वाद का मजा ले सकती हूँ। मुझे भी और नूडल्स चाहिए। उम्मीद है कि एमा देखे ना जब मैं पीछे से उसके नूडल्स चुरा लूंगा। मैं कितना चालाक हूँ, और कौन सोच पाता इतना अच्छा प्लान, एकदम लाजवाब, कितना स्वादिष्ट है। ओ हाय एमा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अब तुम्हारी वजह से मेरा पेट नहीं भरेगा। उफ, तुम रखो। चलो ग्लोरिया, सिर्फ तुम बची हो, जल्दी अपने नूडल्स खा लो, तुम्हारे बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे, उम्मीद है कि मेरे नूडल्स भी उतने ही अच्छे होंगे। मम्मी, चलो खाओ 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 खाओ। अरे यार, कितना समय लगा रही है। क्या कहा, मुझे अपने नूडल्स के मजे लेने से मत रोको, हम तुम्हें परेशान नहीं कर रहे हैं, तुम बस बहुत समय लगा रही हो। मेरे लिए मत रुको, मैं आराम से खाऊंगी। नहीं, बस अब तुम आराम से नहीं खाओगी। ग्लोरिया, तैयार हो जाओ, अब मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से नूडल्स खिलाऊंगा, और तुम्हें जल्दी जल्दी चबाना ही होगा वरना उल्टी हो जाएगी। नहीं करो, नहीं, मत करो, इतना खाना एक साथ कौन खा सकता है। फिर भी तुम्हें ये मेरे ऊपर नहीं थूकना चाहिए था। उफ। मेरे पास दोनों हाथ है, हुर्रे। मेरे पास एक है, पर तब भी मैं खुश हूँ। किस्मत ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, मुझे फिर हाथों के बिना ही खाना होगा, ये सही नहीं है। सब सही है एमा, चलो तुम शुरू करो। हाँ, न्यूटेला को खाना स्वादिष्ट तो होगा, पर उतना मजेदार नहीं। अच्छा होगा अगर मैं न्यूटेला को अपने सैंडविच के साथ खाऊं, जो मैं घर से लेकर आई हूँ। क्या तुम हर जगह एक सैंडविच लेकर चलती हो, पर क्यों, अगर अचानक भूख लग गई तो। आज माँ ने सैंडविच बनाया है, मतलब ये बहुत टेस्टी होगा। ओ छी, माँ ने इसमें क्या डाल दिया है। अरे आंटी चाहती है कि उनकी बेटी पौष्टिक चीजें खाए। सही कहा, पर मुझे प्याज, ब्रोकली, लेटस बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं सब क्यों खाऊं अगर मेरे पास न्यूटेला है। जरूर इस घास फूस से तो बेहतर ही स्वाद होगा। देखो ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है, कमाल का चॉकलेट स्प्रेड, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। हाँ, शायद एक न्यूटेला सैंडविच। तुमने ये अपने हाथों पर क्यों लगाया, गंदा लग रहा है। ये मेरा सैंडविच है, तो मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, और वैसे भी तुम दोनों चुप रहो, मुझे जल्द से जल्द ये स्वादिष्ट चीज खानी है। नम, 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 नम,
बहुत खुश हूँ। मैंने ऐसे एक सैंडविच नहीं बनाया, इससे सच में स्वाद बेहतर हो जाता है, पर देखने में बहुत खराब है। क्या फर्क पड़ता है, मैंने सिर्फ स्वाद रखता है। अब चलो तुम भी खाओ। बिल्कुल, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे खाने के शिष्टाचार आते हैं, इसलिए मैं न्यूटेला ध्यान से खाऊंगा, एक हाथ से ही। गंदे ना होने के लिए इस तरह से मैं एक नैपकिन लगाऊंगा, और हाथों को भी साफ रखने के लिए मैं एक चम्मच से खाऊंगा, साधारण लोगों की तरह। खाना शुरू करता हूँ। ओके। वाह, कितना बढ़िया है। बेहतर होगा कि मैं पूरा जार जल्दी से खा लूं। ये बहुत अच्छा था, मजा आ गया। तुम तो बड़े तरीके से खाने वाले थे ना, तो अब क्या हो गया, चेहरे पर चॉकलेट लगी हुई है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं इसे पोंछ लेता हूँ। अब साफ हो गया। अब तो ये और भी बदतर हो गया है। कहाँ गए तुम्हारे शिष्टाचार? बस हंसना बंद करो ग्लोरिया, चुपचाप खाओ। हाँ, मैं तो खाना चाहती हूँ, और मैं कोई तौर तरीके की परवाह नहीं करती। मुझे सीधा अपने मुंह से ही खाना होगा, क्योंकि मैं हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। पर जाहिर है कि न्यूटेला स्वादिष्ट है। हाँ, दिख रहा है कि तुम्हें ये बहुत पसंद है। हंसो मत, मेरे पास एक आइडिया है कि मैं इस न्यूटेला को तेजी से कैसे खा सकती हूँ। इतने सारे बर्फ की तुम्हें किस लिए जरूरत है? क्योंकि इस बर्फ की मदद से मैं अपने पूरे जार को जल्दी से फ्रीज कर सकती हूँ। लेकिन क्यों? अजीब है, जमा हुआ न्यूटेला, ताकि मैं इस जार को तोड़ सकूं। समझ नहीं आ रहा है? देखो, मैं अभी दिखाती हूँ। अरे देखा, अब मुझे अपना मुंह जार में घुसाने की जरूरत ही नहीं है, और मुझे अपना चॉकलेट खाने को मिल गया। अगर तुम खा सकती हो तो हम भी। सही कहा। रुको, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अपना ट्रीट छूने तक दूंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं यह पूरा खुद खाऊंगी। कितना स्वादिष्ट लग रहा है, मुझे और न्यूटेला चाहिए। आराम से बैठकर मुझसे ईर्ष्या करो दोस्तों, तब तक मैं इसका मजा ले रही हूँ। मैं फिर से लकी हूँ, मैं फ्राइज दोनों हाथों से खा सकती हूँ, और मुझे फिर एक हाथ मिला। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, तीसरी बार मुझे हाथों के बिना खाना होगा। मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैं अपने फ्राइज पहले खाऊंगी, और वैसे भी मैं खाने के लिए तैयार हूँ। मैंने एक नैपकिन लगा लिया है, और मेरे पास केचप भी है। हर कोई जानता है कि फ्रेंच फ्राइज और केचप कमाल की जोड़ी होती है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, बहुत स्वादिष्ट। तो मैं इसे आराम से धीरे धीरे खाऊंगी। मम्मी, क्या यार, जल्दी खाओ, हमारे पास समय नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं खा रही हूँ। हाँ, पक्का टाइम बहुत लगने लग वाला है। ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, जब कुछ स्वादिष्ट खाओ तो लगता है समय बहुत तेजी से बीत जाता है। मैंने अपने फ्राइज खा लिए, और सॉस भी। आखिरकार हो गया, लग रहा है बरसों बीत गए। नैपकिन की मुझे जरूरत नहीं है। तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? माफ करो, मैं सब पोंछ दूंगी, शांत हो जाओ। सॉरी, गुस्सा हो मत। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे सामने एक पूरा पैकेट फ्राइज है, और केचप, जो मुझे बहुत पसंद है। मैंने आज तक कोई सॉस नहीं खाया है जो मुझे केचप से बेहतर लगा हो। मुझे जल्दी से अब अपने आलू भी इसके साथ मिला लेने चाहिए। वाह, कितना स्वादिष्ट और तेज भी।
आज से मुझे जस्टिन दुनिया का सबसे तेज आदमी बुलाओ। तुमने एक फ्राई छोड़ दिया, कोई बात नहीं, मैंने एक पूरा पैक बस कुछ ही सेकंड में खा लिया, तो मैं जरूरी से एक टुकड़े को तुरंत खा ही लूंगा। मेरे पास एक आइडिया है कि मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं इसे अपने मुंह में पकड़ लूंगा। ओ, मैंने तो देखा भी नहीं। ठीक है, मुझे मानना ही होगा कि मेरे जैसे माहिर लोग भी कभी कभी गलतियां कर बैठते हैं। यह फ्राई मेरे चेहरे पर गिर तो गया, पर फिर मैं यह खा सकता हूँ। आखिरकार जस्टिन का हो गया है और अब मैं अपने फ्राइज खा सकती हूँ। बस मुझे यह सोचना होगा कि मैं अपने फ्राइज केचप में कैसे डिप करूं। मुझे लगता है सारे केचप को बस टेबल पर गिराकर मैं अपने फ्राइज उसमें डिप करके खा सकती हूं। छी, कैसे खाओगी? टेबल कितना गंदा होगा। तो क्या हुआ, देखो यह कितना आसान है। खाते वक्त हाथों की कोई जरूरत ही नहीं है। उफ, वो छोड़ो। सोचो तुम्हारे मुँह में कितने कीटाणु जा रहे होंगे। ठीक है, पर ये कितना स्वादिष्ट है। ओह, एक फ्राई मुझसे दूर भागना चाह रहा है, पर मुझे उसे पकड़ना ही होगा। हाँ? यही हमारा मौका है। एकदम सही कहा। ग्लोरिया, तुम उधर आराम करो। ओके। मुझे तो लगता है कि आगे कुछ बहुत सारे चॉकलेट के साथ कुछ मजेदार होने जा रहा है। तुम सही थी, मेरे ये बड़े से चॉकलेट बर्गर को देखो। मुझे असली वाला मिला है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि तुमने अभी तक मेरा नहीं खाया है। ऐसा तो सिर्फ तुम्हें लगता है, मुझे क्लासिक वाला पसंद है। मैंने तो लगभग पूरी खा ली। यह बहुत ही स्वादिष्ट था। मेरा भी बस हो ही गया, सिर्फ यह लेटस बाकी है। और हमें बस इतना ही मिलेगा। बिंगो। ओ, मेरे पास थोड़ा सॉस बचा है। लेकिन प्लेट को सिर्फ चाटे क्यों, अगर उसे खा भी सकते हैं। ओह, और मेरे कांटे के बारे में तो नहीं भूल सकती, यह भी चॉकलेट का बना है। अच्छा, फिर मैं भी अपना कांटा खा सकती हूँ। अरे नहीं, मेरे दांत। बेचारी एमा, चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। अपना मुंह अच्छे से खोलो, हम तुम्हारे मुस्कुराहट को वापस ले आएंगे। ओह, निशाना चूक गया। कोई बात नहीं, ये तो बस वार्म अप था। मुझे लगता है कि सब सही जगह पर है। एकदम पहले जैसे हूँ। मैंने कहा था कि यह काम करेगा। चिप्स, बुरा नहीं है, लेकिन इसके साथ सॉस अच्छा रहेगा। यह बढ़िया रहेगा। एकदम मस्त। ओके। अरे, क्या वो तीखा नहीं है? बिंगो। मुझे तो बहुत अजीब तरह के आलू मिले हैं। मुझे इन्हें बेहतर बनाना होगा। तुम क्या कर रही हो एमा? What? तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। और यह देखो, चॉकलेट फ्रेंच फ्राइज। Awesome! अब यह हुई ना बात। क्या तुम्हें एक चाहिए सारा? यह तो सच में बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं यहाँ नहीं रुक रही हूँ, देखो और सीखो। तुम्हारे डिश से मिलते जुलते चॉकलेट प्रिंगल्स। आलू से कितना कुछ बनाया जाता है। तुम तो एक जादुई शेफ हो। तुम्हारे सफलता के लिए चीयर्स। ओह, इसका तीखा स्वाद अब पता चल रहा है।
मैंने तुम्हें बोला था कि एक टबैस्को एक अच्छा आइडिया नहीं है। शुक्रिया एमा, आश्चर्य है लेकिन उससे मेरी मदद हुई। चलो देखते हैं कि इन ढक्कनों के नीचे क्या है। लाइट बल्ब? मुझे नहीं लगता इसे खाना कोई बुद्धिमानी का काम होगा। मुझे भी एक बल्ब मिला है लेकिन तुम्हारे से बहुत अलग। एकदम वही है जो मुझे लगा था। शायद मैं भी अपना खा सकती हूँ। तुमने तो बल्ब चालू कर दिया सारा। अरे वाह, इस तरह तो मैं बिजली बहुत अच्छे से बचा सकती हूँ। मुझे भी यह करना है। देखो और सीखो। तुम मुझे शॉक दे रही हो। माफ करना, मेरा यह करने का मतलब नहीं था, लेकिन जब तक तुम वापस होश में आती हो तब तक मैं यह ले लेती हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई दिक्कत होगी। इस बार मैं शुरू करती हूँ। अरे वाह, चॉकलेट के सिक्के, और इसका मतलब है कि मुझे मिला है पैसों का एक बड़ा बंडल। मैं अमीर हो गई। मुझे तो लगता है कि तब भी मुझे ज्यादा अच्छी चीज मिली है। तुम मजाक कर रही हो ना? मैं इसके साथ जो चाहे वो कर सकती हूँ। शायद इसमें स्नान भी कर पाऊँ। ठीक है, अब सपने देखना बंद करो और काम पर लग जाओ। यह नकली है। ओह, तुम तो बिना मतलब आसमान में उड़ रही थी। क्या यह हमें बता रही है कि हमें बाल बनाने होंगे? खैर मुझे नहीं, मेरा हिस्सा तो चॉकलेट का बना है तो मैं बस इसे खा लेती हूँ। तब मुझे क्या करना होगा? बिंगो! वैसे इधर उधर थोड़ा काटने से कुछ बुरा नहीं होगा, और चलो आगे में भी थोड़ा काट लेती हूँ। सारा, तुम्हें सच में रुक जाना चाहिए। क्या कह रही हो तुम? यह तो बहुत अच्छा चल रहा है। मैं तुम्हारी भी काट सकती हूँ। किसी भी हाल में नहीं, हटो यहाँ से। हाँ हाँ, मैं पहले जाऊंगी। कितना प्यारा सा टुकड़ा है चीज का। और अब वह दूसरी डिश। वाह, मीठे के अलावा और कुछ नहीं मेरे लिए। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, इसकी खुशबू तो लाजवाब है। एमा, क्या तुम मुझे थोड़ा सा भी नहीं दोगी? ओह, दूसरों का खाना छूना अच्छी बात नहीं होती है। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे अपना डिश बेहतर बनाना है, और मुझे पता है कैसे। हाँ, कृपया जल्दी से। कहाँ जा रही हो तुम? मेरा ऑर्डर आ गया, इसे मुझे दे दो। ओह, मिल गया। मेरे पास एक पूरा प्लेट स्वादिष्ट पास्ता का है। इसमें सिर्फ चीज की कमी है, जो शुक्र है कि मेरे पास है। पास्ता अच्छा है। आखिरकार मैं मन भर कर खा सकती हूँ। वो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं तुम्हें इसे सूंघने दूंगी, लेकिन इसे खाना मेरा काम है। हाँ।
ओके ठीक है फिर ओके मैंने ये ड्रेस क्यों पहना है ओ अब समझ आया मुझे इन नए जूतों के साथ एक अच्छी ड्रेस की जरूरत थी उसे पहनकर जितना दर्द होगा उसका आनंद लो मैं तो यहाँ पूरे दुनिया का सबसे स्वादिष्ट हील को खा रही हूँ मुझे तो यह पहनना ही होगा एकदम अच्छे से अट गया मैं तो एक असली राजकुमारी जैसा महसूस कर रही हूँ क्या वो वही है जो मुझे लगता है इस जूते की जोड़ी मोहतरमा क्या मैं अगर यह आपके पैर में अट जाए तब हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं अपना हाथ मुझे दो और मेरे साथ चलो तुम कहाँ जा रही हो तुम उस लड़के को जानती तक नहीं हो मैं बहुत खुश हूँ मुझे मेरा राजकुमार मिल गया मैं तो बता ही नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ आशा है कि तुम स्वादिष्ट हो आखिरकार मुझे खाने के लिए एक बाइट मिलेगा ये सब देखते हैं देखो हमारे सामने क्या है केवल एक कैंडी बार ये बिल्कुल भी उचित नहीं है खैर जो भी हो मैं यह खाना चाहती हूँ ओह उसने तो अपने दांतों से ही खोल दिया अरे ध्यान से जब मुझे भूख लगती तो मुझे कुछ नहीं सुनता तुमने मुझे मारा ये सब बंद करो मेरे लिए चीजें और भी कठिन है मुझे सिर्फ एक ट्विक्स मिला है वह क्या सोच रही है अब यह रहा अपना ध्यान रखो यह चीज बहुत धारदार है यह शक्तिशाली चेन शॉक कुछ भी कर सकता है खास करके चॉकलेट के साथ और फिर से यह सब हम पर उड़ रहा है क्या तुम थोड़ा ध्यान से कर सकती हो तुम क्या कह रही हो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है ओह तुम लोग इतने गंदे क्यों हो यह एक रहस्य है पर क्या हम सिर्फ चॉकलेट काट रहे थे उप्स यह गलती से हो गया अब आखिरकार मैं अपनी सारी चॉकलेट खा सकती हूँ स्वादिष्ट क्या इसका स्वाद तुम्हें पसंद आया मेरे पास भी बहुत सारे ट्विक्स हैं तुमने ये कैसे किया वाह अब अपने मुंह से क्या तारीफ करूँ मेरे पास बहुत कौशल है अच्छा है लेकिन मैं इसे और अच्छा बनाना चाहती हूँ मुझे इसकी जरूरत थी मेरी आँख हमेशा मुझे ही क्यों शांत हो जाओ बस देखो कि मैं अभी क्या करने वाली हूँ यह सामान्य दूध अब चॉकलेटी होने वाला है कितना अच्छा वाह और यह मेरी कैंडी के साथ पूरी तरह से जाएगा मुझे इतनी भूख लगी है कि मेरे सारे कैंडी बार कुछ ही सेकंड में गायब हो जाएंगे देखो मैंने तुमसे कहा था अच्छा इसका मतलब अब मेरी बारी सबसे पहले बाय बाय रैपर्स अच्छा अब कुछ निर्माण में काम आने वाले सभी उपकरण न्यूटेला मेरे निर्माण सामग्री के रूप में काम आएगी क्या तुम इससे स्वादिष्ट इमारत को देखने के लिए तैयार हो जिस पर तुमने कभी नजरें गड़ाई हो मुझे बस एक मिनट दो और टेबल पर एक चॉकलेट की गगनचुंबी इमारत दिखाई देगी वाह वह सच में कर रहा है मुझे बहुत उत्सुकता हो रही कि वह क्या बना रहा है हो गया तुम लोगों का मेरे क्रिएशन के बारे में क्या ख्याल है एक बात मैं पक्के तौर पर कह सकती हूँ यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट लग रहा है यह तुम लोग क्या कर रही हो यह टूट जाएगा उप्स हाँ हमने कुछ नहीं किया अच्छी बात है कि मैंने ये मजबूत टोपी पहन रखी थी वरना चोट लग जाती अंत भला तो सब भला हमें एक और डिश मिली है आंखें और मेरे लिए सिर्फ एक खैर मैं इसे खा सकती हूँ बहुत बुरा हुआ है माँ ये बहुत कम है तुम्हें ये मजाक लग रहा है ये बंद करो तुम डिंग हांकना बंद करो हाँ हाँ मतलब ही तुम खाओ और मैं तुम्हें एक सबक सिखाता हूँ मैं उसे बुरी तरह से डराऊंगा अरे एमा देखो मेरी आंख बाहर आ गई है अजीब है कि ये दुख नहीं रहा है इसे हटाओ छी लोला ने ऑस्टिन की आंख खा ली ये क्या होने जा रहा है हमें उसकी मदद करनी होगी मेरा दम घुट रहा है यार आज मैं बहुत थक गई हूँ यह कॉफी ही मुझे जगा कर रख रही है यह क्या ये एक आँख है यह शरारत हमेशा काम कर जाती है ठीक है तो क्या मैं अपना वास्तव में खा सकती हूँ हाँ मुझे ये सब खाना है मैं सारा खा जाऊंगी
वाह, यह तो बहुत तेज था। क्या मैं भी वैसा ही कर सकता हूँ? या फिर तुम हमारे साथ शेयर कर सकते हो? नहीं, यह विकल्प नहीं है। एक भी नहीं, नहीं। मेरे ऊपर आंखें उभर रही हैं। अगली बार इतना लालची मत बनना। हाँ बिल्कुल, चलो पता लगाते हैं कि अब हमारा क्या इंतजार कर रहा है। ओ चिप्स, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, लोला देखो उस छोटे से कैन को जो एमा को मिला है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है, और केवल एक चिप अंदर है। मैं इसका क्या करूँ? मैं तो इसे उठा भी मुश्किल से पा रही हूँ। अच्छा है कि मैं तुम्हारी जगह पर नहीं हूँ। हाँ मैं भी आती हूँ। वो कहाँ गई? मुझे अपना ट्वीजर और यह मैग्नीफाइंग ग्लास लाना पड़ा ताकि मैं अपने चिप के मजे ले सकूँ। ऑस्टिन अब तुम जाओ। ठीक है, लेकिन क्या यह ढक्कन चिपका हुआ है? मैं यह खोल नहीं पा रहा हूँ। सच में थोड़ी ताकत लगाओ। ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि क्या करना है। यह हमेशा मदद करता है। तुम चमत्कार देखने के लिए तैयार हो? हाँ जरूर। अब देखो, बस उसे पकड़ना बाकी है। मिशन पूरा हुआ। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत महान हूँ, यह मुझे पता है। हाँ बहुत महान। एक कार्डबोर्ड के डब्बे से टकरा कर गिर गए। अब मेरी बारी है खाने की। आज मुझे यह खाने का बहुत मन कर रहा था। यहाँ पर कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन है। ओह माफ करना। आउच, मेरी किस्मत। जब खाने की बात हो तो मेरा ध्यान कहीं और नहीं जाता है। मुझे इस सब उड़ती चीजों से बचने के लिए कवर की जरूरत है, या मैं सिर्फ एक सुरक्षित चीज लगा सकती हूँ। हम इस ट्रक का उपयोग बदला लेने के लिए कर सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाई फाइव ऑस्टिन, ये अच्छा हुआ। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वाह स्किटल्स, मेरे लिए सिर्फ एक स्किटल्स, ये अच्छा नहीं है। अब तक तुम्हें इसकी आदत हो जानी चाहिए। इसे कहते हैं असली आकार। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे इस छोटी सी कैंडी को किसी बड़ी चीज में बदलने का एक छोटा सा रहस्य पता है। जैसा मैंने कहा था, अब इस चीज को कोई छोटा नहीं करेगा, है ना? अरे वाह, अब तक का सबसे अच्छा स्किटल्स। इस दौर में मैं भूखी नहीं रहूंगी। बहुत स्वादिष्ट। ऑस्टिन, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? अच्छा सवाल है। मैं अपनी कैंडीज को एक आजमाई हुई और सच्ची विधि का उपयोग करके खाऊंगा, उन्हें उछाल कर। मुझे नहीं लगता कि तुम यही करना चाह रहे थे। हाँ तुम असफल रहे। चलो ठीक है, टेबल पर अभी भी बहुत सारे मीठे ट्रीट हैं। हाँ पर वो सब मेरे हैं, इसलिए पीछे हटो। लेकिन मैं किस रंग से शुरू करूँ? लाल नहीं, पीला मुझे ऐसा नहीं लगता। बैंगनी नहीं, मैं ये तय नहीं कर पा रही हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा लेना है? मैं कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहती। मुझे पता है, यह जादुई टोपी हमेशा सही निर्णय लेने का संकेत देती है। और यहाँ पर है वह रंग जो मैं पहले खाने जा रही हूँ। चलो इसे खोलो, पता नहीं कौन सा रंग होगा। पीला। ठीक है, सभी पीले कैंडी को खाने का समय हो गया। और फिर मैं बैंगनी रंग की ओर बढ़ूंगी, और उसके बाद लाल। दिलचस्प है, टोपी मुझे क्या बताएगी? मुझे लगता है कि यह चमकने लगा है। वाह, तुम्हारा टोपी वास्तव में जादुई है। इसे कैसे पता चला कि मुझे भूख लगी है? यहाँ बहुत सारी कैंडी है, क्या मैं थोड़ा ले सकती हूँ? और मैं भी। हाँ बिल्कुल, यह लो। वैसे भी हमें पता है कि और कहाँ से मिल सकता है। अब आगे क्या मिलेगा? देखो एक पूरी चॉकलेट बार। ओ, और यह कोई साधारण चॉकलेट नहीं है, यह वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है, बहुत मीठी और क्रीमी। और हम दोनों को क्या मिला है? ओ, बहुत सारे चॉकलेट बार। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मेरे पास इसे खाने की एक योजना है। क्या पिघली हुई चॉकलेट की एक पूरी कटोरी से ज्यादा कुछ अच्छा हो सकता है? मुझे अब तक का सबसे अच्छा हॉट कोको मिल गया है। यह मेरा पेट भरेगा और साथ ही साथ मेरी प्यास भी बुझाएगा। और मेरे पास इसके साथ खाने के लिए डिजर्ट भी है, स्मार्ट सॉस। वाह, मुझे पता है मैं जीनियस हूँ। फिर ठीक है, अब मेरी बारी। मेरी चॉकलेट कहाँ है? वाह, मैंने आज से पहले इतनी सारी चॉकलेट एक जगह नहीं देखी है। मेरे जीभ में पानी आ रहा है, कितना स्वादिष्ट। पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि चॉकलेट को किसी भी तरह से खा सकते हैं। इसे अच्छे से सजा कर रखता हूँ। अब इसी की बात मैं कर रहा था, और इसे खाना बहुत आसान है। मैंने एक योजना बनाई है। ओ मेरी यह भयानक उंगलियां ऑस्टिन के खाने की ओर बढ़ रही हैं। उफ्स, ये कैसे हो गया? यह तुमने क्या किया? तुमने सब बर्बाद कर दिया।
अरे कुछ नहीं हुआ है, चॉकलेट अभी भी यहाँ है। हाँ यह सही है, तुम लोग भी खाओ दोस्तों। चलो चुटकी बजाओ दोस्तों। हमें नहीं करना चाहिए था। एक मिर्च को खाया जा सकता है, मुझे उससे ज्यादा मिला है और मैं मिर्च बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। अरे एमा तुम्हें बहुत ज्यादा मिला है, मैं बताने के लिए धन्यवाद। मैं पहले जा रही हूँ, आशा है कि नूडल्स इसके तीखेपन को कुछ कम कर देगी। ओह यह तो तीखा है और शायद नहीं, अरे यह उतना बुरा नहीं है। और यह नूडल्स भी बहुत अच्छा है। ऑस्टिन तुम खाओ। ओके। काश मेरे पास कोई विकल्प होता, शायद मैं ठीक रहूं। नहीं यह ठीक नहीं है, मैं जल रहा हूँ। ऑस्टिन वह जरूरी नहीं था। तुम बहुत मजाकी हो। वैसे इसे मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, अब इस सभी बेकार नूडल्स को हटाने में मेरी मदद करो। एमा क्या तुम उस सब के लिए तैयार हो? नहीं पर मैं कभी तैयार नहीं होंगी, मैं तो इसके बारे में सोच कर ही डर रही हूँ। और मेरा डर सही था। तीखा, बहुत तीखा। हमें उसकी मदद करनी होगी। धन्यवाद ऑस्टिन, तुमने मुझे बचा लिया। ब्रोकली चलो अच्छा है कम मिला है। ओ यार मुझे ब्रोकली से नफरत है, पर मेरी स्थिति एमा से बेहतर है। मुझे सबसे ज्यादा मिला है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। शांत हो जा, मैं शुरू करती हूँ। कैसे मैं इस चीज को जल्दी से खत्म करूँ? हाँ मैं इसके स्वाद को बेहतर बना सकती हूँ। मुझे चॉकलेट पसंद है इसलिए इसे मुझे मदद मिलेगी। अच्छा दिख रहा है, पहले से कहीं ज्यादा अच्छा। छी कितना खराब, मुझे स्वाद को तुरंत अपने मुंह से हटाना है। क्या वह सच में इतना खराब है? अब मैं ठीक हूँ पर वह बहुत खराब था। इसका मतलब अब मेरी बारी है, मुझे चाहिए मेरी टोपी। अब मुझे बस इतना करना है कि टोपी में ब्रोकली डालना है और कुछ जादू करना है, कुछ सरल हरकतें और सब्जियां ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे उनका कभी अस्तित्व ही नहीं था। तुम्हें पता है क्या, मेरे पास भी एक जादू की छड़ी है। तड़ा, और ब्रोकली वापस आ गई। अरे नहीं कितना खराब, तो क्या मुझे यह सच में खाना होगा? Okay. यार ये बहुत खराब है। एमा बस तुम ही बची हो। ओह ठीक है, मैं इसे जितनी जल्दी खाऊंगी उतनी ही जल्दी खत्म हो जाएगी। छी इसे देखकर ही मेरी तबीयत खराब हो रही है। बिचारी लड़की, लग रहा है वो हरी हो गई है। अब मैं गॉब्लिन की तरह लग रही हूँ।